हेलो दोस्तों, मेरा नाम है गौतम और आप देख रहे हैं गौतम रोज चैनल। इस चैनल के माध्यम से मैं आपको पेंटिंग से संबंधित जानकारी देता हूं। तो आज मैं आपको पेंटिंग के बारे में नहीं बताऊंगा और कुछ फ्रॉड लोग होते हैं उनके बारे में बताऊंगा कि वो क्या कर रहे हैं। हुआ क्या कि मेरा दोस्त दिल्ली गया था सामान लेने के लिए और वहाँ उसको ऐसे लोग बाग मिले जिन्होंने उनको कोई कार्ड वाला गेम दिखाया और तीन चार जने मिले हुए थे। तो उन्होंने उसमें से जब उन्होंने गेम चालू किया तो उसमें से एक लड़का 20,000 रुपये जीत गया, दूसरा लड़का आया वो भी 20,000 रुपये जीत गया। तो उस लालच को देखकर मेरा दोस्त भी वो गेम खेलने लग गया। तो ये बात है दिल्ली की। दिल्ली के अंदर उसके साथ में ऐसी घटना हुई जिसमें वो 20,000 रुपये एक मिनट के अंदर वहाँ उस गेम के अंदर हार गया। और गया तो वो सामान लेने के लिए, लेकिन उसको ऐसे लोग बाग मिले जिन्होंने उसके साथ में चीटिंग करके उससे पैसे ऐंठ लिए। तो आप एक कहीं पे भी जा रहे हो तो थोड़ी सी सावधानी रखें और इस बात का विशेष ध्यान रखें कि आपके आसपास में जो भी आपको लुभावने वाली जो चीज़ें बताई जा रही है या आपके साथ ऐसे अचानक सॉफ्ट करने वाली अगर चीज़ें होती है तो उस पर थोड़ा सा गौर करिए, उस पर ध्यान दीजिए कि ये लोग कर क्या रहे हैं और उनके बहकाव में मत आइए, क्योंकि ऐसे लोग आपको बहुत बड़ा नुकसान दे सकते हैं। और बड़ी सिटियों में अधिकतर ऐसा होता है, तो आप ऐसे गेम ना खेलें जिससे आपको एकदम अचानक ज़्यादा नुकसान हो जाए। और वो लड़का एक व्यापारी वर्ग था और बाहर ऐसे बहुत सारे लोग पा गए जो बड़ी बड़ी सिटियों के अंदर वो अपने शिकार की तलाश करते रहते हैं। उनको पता रहता है आपके पहनावे से, आपके हाव भाव से, आपकी बोल चाल से वो तुरंत पहचान जाते हैं कि ये बंदा कहाँ का है कहाँ का नहीं है। तो मेरा दोस्त था वो राजस्थान से था और उसके साथ में बहुत बड़ी चोट हुई है। तो ऐसी सावधानी पर विशेष ध्यान रहे। तो कई बार लोगों को बहुत बड़ा भारी नुकसान उठाना पड़ता है। ऐसा ही कई बार क्या होता है कि सामान लेने जाते हैं दिल्ली के अंदर, तो आप उस सामान को एक बार दो बार तीन बार ज़रूर देखिए, क्योंकि एक दोस्त दूसरा वो जब वहाँ सामान लेने गया तो उसके अंदर एक जो कपड़े की पोट होती है वो उसको कम मिली। तो ऐसी घटनाएं जब होती है तो आदमी को थोड़ा सा ध्यान रखना ज़रूरी हो जाता है बाहर जाकर। तो ये वीडियो मैंने आपको जागरूकता के हिसाब से बनाया है। जो भी नए नए काम करने वाले हैं, बाहर आते जाते रहते हैं, तो ऐसे लोगों से बचें और अपना ध्यान रखें। ये तो अच्छा हुआ उस लड़के ने केवल 20,000 रुपये उस टाइम उसके वहाँ से पार हो गए और उस गेम के अंदर चले गए और उसके पास में पैसा बचा। कई बार क्या होता है, फैमिली अगर साथ में होती है या बाहर आप कहीं जा रहे हो और आपके साथ में चोट हो जाती है तो ये काफ़ी दुखदायी काम हो जाता है। बाहर हेल्प करने वाले भी बहुत कम मिलते हैं। तो जब भी आप बाहर जाएँ तो इन चीज़ों का विशेष ध्यान रखें और किसी के बहकाव में ना आए। और अगर आपके साथ में अगर ऐसी कोई घटना होती है तो आप उसकी सूचना नज़दीकी पुलिस स्टेशन में ज़रूर एक बार दीजिए। और अगर आपको इन चीज़ों से सावधान रहना है तो इनसे संबंधित
जानकारी आपको होना चाहिए कि ऐसे लोगों से किस तरह बचें। कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो आपके आगे होकर टकराएंगे, आपका पर्स मार सकते हैं, आपके पैसों पर उनकी नज़र रहती है। बड़े बड़ी से तो सिटियों में यही चलता है। और कोशिश करें कि पैसे आप ऐसी जगह पर रखें जहाँ उनको पता ना चले। और जितने भी गांव के गांव में रहने वाले हैं वो इस बात पर विशेष ध्यान दें, क्योंकि वो बेचारे छोटा छोटा काम करते हुए और कुछ सीखने के लिए, कुछ काम धंधे को बढ़ाने के लिए बाहर बाहर से माल लाने के लिए जाना ही पड़ता है। तो इस चीज़ों का विशेष ध्यान रखें। और मैं हमेशा इस तरह के ही वीडियो बनाता रहता हूँ। कभी कभी बीच में जब ऐसी घटनाएं होती है तो उसके बारे में बताना ज़रूरी होता है। वीडियो काफ़ी लंबे टाइम के बाद मैंने अपलोड कर रहा हूँ, क्योंकि कोरोना चल रहा है और हमारे पड़ोस में भी कुछ लोग भाग एक्सपायर हो चुके हैं। तो ये गंभीर बीमारी है, गंभीर समस्या है। तो घर में जो भी गवर्नमेंट गाइडलाइन करती है उसके अनुसार आप चलते रहें और बॉडी पे वर्क करते रहें और जुकाम ना होने दें। कोरोना बहुत ज़्यादा फैल चुका है, बड़ी बड़ी सिटियों में लाइन लग रही है बॉडी को जलाने के लिए। तो इन चीज़ों का विशेष ध्यान रखें, आवश्यक हो तभी ही बाहर निकलें। तो आज के वीडियो में मैं आपको जो फ्रॉड करने वाले हैं उनके बारे में ही जानकारी दी है। कुछ पेंटिंग्स बनाई हैं तो वो भी मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह की पेंटिंगें बनाई हैं और किस तरह का काम है। कई बार क्या होता है कि हम ऐसा काम करते हैं जो घर वालों की समझ से बाहर होता है और उनको समझ में नहीं आता है कि ये क्या बनाया गया है। तो मैं ये कहूँगा कि आप को जो लॉकडाउन में जो टाइम मिला हुआ है या अभी छुट्टियाँ पड़ी हुई है, जो भी पेंटिंग कर रहे हैं या पेंटिंग का जो एक पूरी अपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से बनी हुई फैमिली है जो हमें देख रही हैं, जो हमसे सीखना चाहते हैं, वो काम करते रहें। डेली आपको सीखना पड़ेगा पेंटिंग लाइन में हो तो। अब 3-4 महीने और रह गए हैं, जब तक ये होली नहीं आ जाती तब तक कोरोना चलता रहेगा और सर्दियों में बहुत ज़्यादा फैलेगा, इसलिए इस चीज़ का विशेष ध्यान रखें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में नई जानकारी के साथ में। तब तक के लिए इन्जॉय करें, मस्त रहें।